नमस्कार, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। राजद के वरिष्ठ पत्रकार नंदराम नायमा और उनके पुत्रों पर हुए जानलेवा हमले को लेकर मंगलवार को जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा, वस्तु स्थिति से अवगत करवाया है। आगामी लोकसभा चुनाव के संग्राम में भाजपा पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने लोकसभा प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया। श्रीराम चौक में डिप्टी सीएम को लड्डुओं से तोला गया है। दरभंगा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25,000 का इनामी अपराधी जो कि 4 साल से फरार चल रहा था, जिसे दरभंगा पुलिस और DIU टीम के द्वारा मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया। रेत माफिया के हौसले बुलंद, खुलेआम कर रही मौर नदी से रेत का अवैध उत्खनन, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत, तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिसका कारण खनिज अधिकारी की मेहरबानी बताई जा रही। 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे बच्चे, परीक्षा बोर्ड ने लिया फैसला। ग्राम राजोद में स्थित निजी स्कूल के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा से वंचित रह गए थे। 10वीं के बच्चे जो परीक्षा में नहीं बैठे थे, आज होने वाली 12वीं की परीक्षा में बैठ सकेंगे। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा, 14 फरवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, जो अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा 7 जिलों से होकर 536 किलोमीटर तक होकर गुजरेगी। 4 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म आरोपी समतानगर पुलिस की हिरासत में, घुसाए लोगों ने निकाला मोर्चा। मुंबई कांदिवली पूर्व समतानगर पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाली 4 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां स्कूल के कर्मचारी ने ही छात्रा को चॉकलेट के बहाने बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। समतानगर पुलिस ने पीड़ित बच्चे की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। तिलक समारोह से लौट रही कार पानी भरी गड्ढे में गिरी है, 6 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल है। यूपी के जनपद कानपुर देहात में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पुलिस की मदद से 2 लोगों को बचा लिया है, जिला अस्पताल में भर्ती किया। पार्टी को एक और बड़ा झटका, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एवं मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल की मौजूदगी में भोपाल में प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी के साथ।